नमस्कार YouTube फैमिली, आज हम बनाएंगे मूली की दो नई रेसिपी। चलो फिर हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए दो मूली ली है। यहाँ पे मैंने मेरे पास दो ही मूली बचे हुए थे। अभी क्या करेंगे, एक तो लंबा वाला मूली है, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो मूली है तीन ही मूली के हम सिरके निकालेंगे। एक बताएंगे रेसिपी के बारे में, एक बताएंगे दांतों के मसूड़े में सूजन आने के बारे में। ठीक है, मसूड़े में सूजन आने को जिंजिवाइट भी कहा जाता है। इसमें मसूड़े है ना फूट जाते हैं और उनमें से है ना खून बहने लगता है। कभी कभी ब्रश या फ्रॉश करते समय अपने आप ही मसूड़े से खून निकल आता है। ऐसे में मसूड़े धीरे पड़ जाते हैं, जिसमें दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो दांत हिलकर गिरने लगते हैं। इसी तरह सारे मूली को सिरके निकाल कर तैयार किए हैं। यहाँ पे मैंने लिया शरनी। अभी हम क्या करेंगे, मूली लेंगे और इसका कद्दूकस कर लेना है एकदम बारीक। इसी तरह का हमें बारीक बारीक वाला शरनी लेना है और बारीक हमें कद्दूकस कर लेना है। हमारा जो कद्दूकस हो चुके आप ले सकते हो फ्रेन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम दो भागों में डिवाइड करना है। दो भागों में एक रेसिपी के लिए रखेंगे, एक अपने दांतों के मसूड़े के लिए रखेंगे। इतना सा भाग जो मैंने मसूड़े के लिए रखा है और इतना सा भाग जो है रेसिपी के लिए बनाया। अभी इसको रखेंगे साइड में। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल। अभी इसमें मैं डालूँगी मूली का कद्दूकस किया हुआ। आप इसमें मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, इसमें डाल लेना है। फिर इसमें डालेंगे धनिया, धनिया के पत्ते। मैंने धनिया के पत्ते को अच्छे से धोकर साफ करके इसमें डालेंगे। अभी इसमें मैंने लिया है दो प्याज, प्याज को मैंने अच्छे से बारीक किया है। अभी मैंने लिया दो हरी मिर्ची और यहाँ पे मैंने लिया एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अभी यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है और इसको ना यहाँ पे मैंने लिया है गेहूँ का आटा लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पे डालेंगे पानी। हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें सूजी डाल सकते, मेरे पास सूजी नहीं था इससे मैं नहीं डाला, लेकिन आप इसमें सूजी ज़रूर डाल लेना। ठीक है, अभी हमारा जो एकदम बैटर है एकदम परफेक्ट बन कर तैयार हो चुका है। अभी हम चलते गैस की तरफ। हमारा जो पैन है एकदम गर्म हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को सभी पैन को फहराना है, हमारा जो रेसिपी एकदम चिपक ना जाए इसीलिए हमें ऑयल इसमें डाल लेना है। ठीक है, हाँ अभी जो बैटर है इसमें डाल लेना है और धीरे धीरे करके हमें इसको फहराना है। इसी तरह हम डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने के रखेंगे। ये मूली की जो रेसिपी है बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम पैन को ऐसे हिलाते हुए ऐसे पलटी मारेंगे। हमारा जो एक साइड का भाग पक चुका है, अभी दूसरा भी साइड का भाग पक चुका है। अभी इसको एक थाली में निकालेंगे। इसी तरह हमें सभी रेसिपी तैयार करेंगे। हमारा जो रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है मूली का जूस। ठीक है, जो दांतों के मसूड़े के सूजन कम करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मसूड़े के जूस। कैसे निकालते हैं अभी हम बता दें। हमने जो कद्दूकस किया हुआ मूली लिया है, अभी यहाँ पे मैंने शरनी लिया है और शरनी से सहायता से हम क्या करेंगे, इसका जूस निकालेंगे। मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूँ जब भी मेरे मसूड़े में सूजन आ जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो पुराने लोग थे यही इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको भी दांतों में मसूड़े में सूजन आ गई है तो इस रेमेडी का बहुत ही आसान तरीके से बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ही मात्रा में आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा दिन का है तो आप दिन में 2 बार 15 दिन तक लगातार करना है, आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। ये 100% गारंटी देती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी हमारा जूस निकाल कर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो फ्रेंड। अभी इसको हम फेंकेंगे नहीं, जब हम पराठा बनाएंगे ना उसमें यूज़ करेंगे। हमारा जो जूस तैयार हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे और इसको है ना मिक्स कर लेंगे।
चुटकी भर नमक ही डालना है और इस जूस को है ना मुंह में भर कर रखना है, पीना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट तक मुंह में भर के रखना है, फिर थूकना है और सादे पानी से मुंह धोना है। इस तरह के आप रोज़ करते हैं तो आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।